everyone, welcome back to my channel and welcome back to another review video. So आज मैं आप लोगों के लिए review करने वाली हूँ Infinity Trans 700 Bluetooth headsets का, जिन्हें मैंने Flipkart से purchase किया हुआ है. So देख लेते हैं इसकी quality कैसी है, किस तरीके से receive हुआ हुआ है, worth करता है अपने price को या नहीं. So जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी outer wonderful सी packaging जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद आई. बहुत ही cute सी packaging है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से transparent cover दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है. Product काफ़ी अच्छे से यहाँ पर खिलकर दिख रहा है. Dark blue color में मैंने इस headset को purchase किया हुआ है. Bluetooth headset से ये. So जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस cover को open किया और यहाँ पर है हमारे अंदर से बढ़िया वाले हेडसेट्स, जिन्हें मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 week तक यूज करके देख लिया है. सो दैट मैं आप लोगों को इसकी साउंड क्वालिटी और इसके सारे इफेक्ट्स और फीचर्स के बारे में डिटेल में बता सकूं. और यहाँ पर इसके सारे फीचर्स इन्होंने मेंशन करे गए हैं, जैसे कि ये है ट्रांस 700 वायरलेस ऑन एयर हेडफोन्स. उसके साथ यहाँ पर इसमें है बास भी. और यहाँ पर इसमें मेंशन है कि ये फोल्डेबल हेडफोन्स हमें मिल रहे हैं इसमें. सो अब इसके 1 by 1 फीचर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो इसके कवर पर हमें यहाँ पर मेंशन करे गए हैं. सो यहाँ पर इन्होंने दी है इसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें है एक्सटेंडेड सपोर्ट, इसके साथ जो कम्फर्टेबल और पोर्टेबल हमें चार्जिंग के प्लग्स मिल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लूटूथ मेंशन है इसमें. जो इसमें जो बटन है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी यहाँ पर हमें बैकवर्ड पोर्शन में प्रोवाइड करी गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. हमें इसके सारे फीचर्स के बारे में इसके कवर से पता चल जाता है कि इसमें कौन सी कैसी चीजें हैं, यहाँ पर कंफर्ट कितना है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बैकवर्ड पोर्शन में मेंशन करी गई हैं बॉक्स के. उसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो शॉर्ट कीज होती है, जैसे कि बटन्स किस तरीके से वर्क करने वाले हैं, वो यहाँ पर काफी अच्छे से मेंशन करा गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसका नाम मेंशन है, यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बनाया गया है डार्क गोल्डन कलर से, जो कि काफी खिलकर दिख रहा है इस ब्लू कलर के हेडफोन के ऊपर. यहाँ पर हमें सिंपल USB केबल मिल रही है, जो कि इसे चार्ज कर देगी अप्रोक्सीमेटली 2 hours में. कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है ये 2 hours में इस केबल की हेल्प से. और इसके साथ हमें यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल भी मिल रहा है, जिसे आप चाहें तो इसकी डिटेल स्टडी के लिए, इसके सारे फीचर्स की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए स्टडी कर सकते हैं. तो अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ रिव्यू की. मुझे इसका सबसे बेस्ट फीचर इसकी साउंड क्वालिटी लगी और उसके साथ साथ इसका कम्फर्टनेस लगा. आप इसे चाहे कितनी भी देर पहन कर रखें, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कोई हेडसेट्स पहने हुए हैं. इसका बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा बढ़िया है. मैंने इसे 4 to 5 hours कंटिन्यूअसली यूज करके देख लिया है, जब मैं ट्रैवल कर रही थी. काफी अच्छे से चल जाता है ये. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसकी काफी अच्छी है. अप्रोक्सीमेटली 10 meters तक आप इसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल्स के साथ. सिंगल चार्ज पर जैसे इसमें मेंशन करा गया है कि 13 hours तक चल जाता है, इतना ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 10 to 12 hours तक ये अच्छे से वर्क कर लेता है. और इसका एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है कि ये काफी लाइट वेट है. 104 grams इसका वेट है, जो कि काफी कंफर्टेबल होता है. हम इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ईयर्स पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हेड पर भी ये काफी ज्यादा हैवी नहीं लगता, क्योंकि ये ओवरहेड हेडफोन्स हैं. लाइट वेट होने की वजह से आप इसे काफी ज्यादा देर तक भी अगर यूज करेंगे, तो आपके ईयर्स को और आपके हेड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है. मैंने इसमें ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, हिप हॉप सॉन्ग्स, काफी ज्यादा लाउड म्यूजिक वाले सॉन्ग्स भी सुनकर देख लिए हैं, जो कि काफी बढ़िया तरीके से सुनाई देते हैं. इसमें आपको कोई भी लो या हाई फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी जब आप इसे प्ले कर रहे हैं. उसके साथ यहाँ पर जो वॉइस क्वालिटी है, वो भी काफी अच्छी आती है म्यूजिक की. इस पर काफी अच्छे से यहाँ पर कुशनिंग भी करी गई है, जो कि काफी कंफर्ट देती है इसे. इसके साथ यहाँ पर जो है फोल्डेबल बैंड्स भी आपको मिलते हैं, जिसे आप अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. इसकी साइज आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं. 7 तक यहाँ पर इसकी साइज जाती है, जिसे आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे यूज भी कर सकते हैं इसकी साइज को एडजस्ट करके, जो कि इसे अनदर लेवल का कंफर्ट देती है. इसके साथ आपको इसमें यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए बटन्स मिल रहे हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए आपको एक सिंगल बटन मिल रहा है, जो कि ये बहुत अच्छा लुक देता है इस पूरे हेडसेट्स को. और इसमें हमें यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट भी मिल रहा है और उसके साथ यहाँ पर लाइट्स भी है, जो कि आपकी चार्जिंग को इंडिकेट करती है. उसके साथ आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर इंडिकेट करती है, और अगर कभी आपकी चार्जिंग लो हो जाए तो ये रेड लाइट में भी इंडिकेट कर देती है. और जब भी आप इसे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहें, तो आप इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं. इस हेडसेट को मैंने परचेज किया है 1999 में. इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं.
सो ये था मेरा रिव्यू रिलेटेड टू द इन्फिनिटी ट्रांस हेडसेट्स. कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले, तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. और हाँ, अगर आपके कोई और रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. आई वुड लव टू डू दैट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रिव्यू गाइज. कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग योर ओन चैनल. जस्ट राइट रिव्यू.